हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौकर्स किचन। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट ब्रेड वड़ा। ये ब्रेड वड़ा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी लगता है। इसे चाय के साथ शाम के नाश्ते में या पार्टी में स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है। अगर हमेशा की तरह आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं इंस्टेंट ब्रेड वड़ा कैसे बनाते हैं। इंस्टेंट ब्रेड वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस। आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड की जगह व्हीट ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, आधा कप बारीक कटा पालक, 1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 6-7 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च या पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच तिल, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और वड़ा फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक एक करके सारी ब्रेड पानी में डुबो कर इस तरह निचोड़ कर पूरा पानी निकालेंगे और तोड़कर एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। आप चाहे तो ब्रेड के किनारों को निकाल सकते हैं। दूसरी ओर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। इसके बाद बाउल में एक एक करके सारी चीजें डालेंगे, पालक, प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता, बारीक कटा हरा धनिया, जीरा, तिल, अजवाइन, अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद मैदा, चावल का आटा और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि ब्रेड में भी नमक होता है, उस हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। 1-2 बड़े चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिलाकर आटा लगाएंगे। अगर आपको इसमें ज्यादा मॉइस्चर लगे तो आप इसमें 1-2 बड़े चम्मच मैदा डाल सकते हैं। देखिए वड़े बनाने के लिए आटा तैयार है। अब हम इस आटे की समान लोइया बनाएंगे। हथेली पर थोड़ा सा पानी लगाकर लोइया बनाएंगे। अब हथेली में थोड़ा सा पानी लगाकर या तेल लगाकर वड़े का आकार देंगे और गरम तेल में एक एक करके डालेंगे। मीडियम आंच पर वड़े फ्राई करेंगे। एक बार कढ़ाई में तेल में जितने वड़े आ सकते हैं उतने डालेंगे। हमें इसे थोड़ी देर नहीं हिलाना है, नहीं तो टूटकर बिखर सकते हैं। जब एक साइड गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे तब पलटकर दूसरी ओर से मीडियम आंच पर फ्राई होने देंगे। जब दोनों ओर से ब्राउन क्रिस्पी हो जाएंगे तब एक प्लेट में पेपर नैपकिन पर निकालेंगे। इसी तरह सारे लोहे के वड़े बनाकर फ्राई करेंगे। देखिए कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप एक टेस्टी क्रिस्पी इंस्टेंट ब्रेड वड़ा टोमेटो केचप के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ, मीठी इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर बना कर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।